यहाँ से हमारे देवला से वासन की बहन जी है, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ पूरी देवला से को लेकर हमारे घर खासतौर करें इस भावना से। इसलिए पूनम आप छिंदवाड़ा नगरी को पूर्व में नुकसानी का मौसम नहीं है और आप उसी मौसम में लिए हाथ से यहाँ पर बहुत सी तकलीफ थी हमारे लिए मीडिया हमारी मूवी, तो मैंने ये तो पूरा काम मूवी के लिए हमारी मूवी वीडियो देखी थी बहुत जरूरी। पूज्य गुरुदेव जी के प्रभाव में योग है और संत का हम देख सुन कर वैसे कृपा और अनुग्रह प्रदान है। तीन मंदिर लाभ भूमि भी मंदिर बन रहा है, प्रथम दल पर देनालय है जिससे निर्माण भवन है सुजिस्तर में विराजमान हूँ और तीसरे में पंचपरमेश्वरी की परिकल्पना आपने की है। और मूल नायक राजनाथ भगवान भी सिंहलोचन भगवान और राजनाथ स्वामी भगवान वहां विराजमान हुए। एक सभी की आराधना भगवान की प्रतिमा है और एक कालिका और एक सिद्धांत है सिकंदर स्वामी उपासना से भगवान को करें। आप सभी से सादर निवेदन आग्रह है कि आप सभी उसमें अवश्य पधारे क्योंकि साधक में उनके बिना कोई भी जो अवसर होता है वो अधूरा होता है, तो सभी अपना उल्लास को हमारा सहयोग प्रदान करें वहां पधार कर समय में प्रसन्नता होगी और पैसा प्रसादित हो रहा है मिले आई हम आशा कर रहे हैं। हेलो, ये बोल नहीं पा रहे कछु आपको वहां पधारने के लिए स्कीम बताना चाहिए, भावना कलश मिनिमम हमें नहीं पता, ये सब जानती आप सबको जुड़ना ही है, जुड़ना इसलिए कह रहा हूँ जो संकट छिंदवाड़ा ने देखे, ओवे गांव ने देखे, सिंगोड़ी ने देखे, उससे बड़ा संकट इन लोगों ने रतलाम में देखा है। जिस मंदिर में पूजा पाठ करते थे उस मंदिर में 20 पंथामनाएं चलती थी, बड़े विसंवाद हुए, कोर्टबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ, तब फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ तो इन्हें खंडहर मिला बगल का, एक जरा सा हाल बना के जरा सा कर करा के उन्होंने पूरा मंदिर ले लिया, पूरा शिखरपंत मंदिर 20 पंथियों ने, और इन लोगों ने फिर एक जरा सी छोटी सी बाजार की रेडीमेड बेदी लाके अपने छोटे से श्री जी विराजमान करके पूजा स्थापना यहाँ करने लगे। जगह नहीं थी तो ऊपर शेड डाला, क्या कहलाती तुम्हारी, जस्ट टीन शेड, उसके नीचे बैठ के स्वाध्याय चालू करी। जब मैं पहली बार रतलाम गया तो फिर इन्होंने माहेश्वरी की धर्मशाला लेके वहां प्रवचन कराए थे, फिर मैंने कहा भैया अपनी जगह, बोले अपनी जगह में इतनी जगह नहीं है अपन बैठ सकें, आ सकें, जा सकें, बाहर दुकानदार इतने हैं कचोरी पकोरी वाले, बड़ी आफत है। कब से भावना चल रही थी, कब से इनने जितनी खंड जो जगह मिली थी वो जगह रेंट पे पड़ी हुई थी, किराए से लोग रहते थे, उन्हें पैसा दे दे के खाली कराने में मुकदमा चलाने में ही 10-25 साल निकल गए। कितने साल निकले, 25 साल, 16 साल निकल गए, 16 साल खाली कराने में, फिर डिसमेंटल किया। आज एक बहुत भव्य मंदिर, मेरे सपने भी पूरे होंगे, एक सुंदर मंदिर, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक भव्य मंदिर, पाठशाला, तो बहुत जगह हो जाएगी, पाठशाला, विद्वानों का आवास, सब कुछ होगा वहां पर। और ऐसे समय में दूसरी बात यह है, यदि आप इतिहास पढ़ोगे तो मध्य प्रदेश में रतलाम ऐसी जगह है जहाँ श्वेतांबरों की सबसे ज्यादा दीक्षा होती है, अखबारों जब चाहे पढ़ लो, लाखों रुपए लुटाने वाले, करोड़ों रुपए लुटाने वाले, ऐसे श्वेतांबरों के देरासर बहुत हैं, बहुत कार्यक्रम होते हैं और सबसे कम संख्या मुमुक्षुओं की है, सबसे कम। अब आप समझ गए होंगे जहां सबसे कम हो उस बूंद को यदि हम रू अकेला छोड़ देंगे तो तवे पर उड़ जाएगी और बहुत सारा पानी मिल जाएगा तो वो बूंद सुरक्षित हो जाएगी। हम सबको मोक्षु मंडल रतलाम के लिए हर तरह से चल करके सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी में 18,500 बरस
दिगंबर शुद्ध नामना का समोसरण रहेगा और वहां पर पाठशाला बच्चे पढ़ेंगे, आने वाले समय में सम्यक दृष्टि होंगे, गुरुदेव की वाणी गूंजती रहेगी और भविष्य में भी भगवान बनते रहेंगे। इस भावना का स्वप्न पूरा करने के लिए इस समोसरण की पंच कल्याणक में हम सबको पधारना चाहिए। असला में जो भी शहर के मध्य में गोविंद जी मंदिर बन रहा है वहां सहयोग ऐसा रखा की लड़ाई के बाद ऐसा पैसा मिलता है। आज 25x85 का एक हॉल वहां जी मंदिर बना हो रहा जान भगवान मुझे उस पर यो सहयोग देके आप हमने छत डालना शुरू की। उसी दिन ही विनोदी देखे मलकापुर वाले रतलाम बाजार उन्होंने छत तो लगा हाइट के कम है 14 फीट इसको तो 17 फीट की हाइट का मतलब जो है तीनों फ्लोर हमारी 17-17 फीट की है। 51 फीट ऊंचा पूरा मंदिर है। अब तो बहुत भव्य मंदिर है शहर के मध्य में और 21x55 की साइड में हिम सब भी देखे तो वो सब जगह भी हमें मिली है। वहां तो अपने द्रव्य को खाने धोने का सब और अलग हो गया। 21x55 का पूरा एक जैसा आपने मंदिर की और अपना तो हमारी विशेषता बताई आप क्योंकि मुझे भी यहाँ मीटिंग और उस मीटिंग में इकट्ठा होकर बनाने की और जब भी हम पड़ेगी तो उनके भी होगा उन्होंने रहेंगे उस समय वो कंप्लीट करेंगे। देखिए क्षमा करिए रतलाम बहुत मीठी जगह है। मैं रतलाम गया था मेरे परम मित्र आदरणीय गौरवजीत भाई मुझे इस्तीफा देता सिर की जो आपने दया करी शासन का केंद्र में एक ही व्यक्ति है मार्ग बहुत मीठी जगह जिन शासन की प्रभावना होगी तो सूरत रतलाम आपके साथ देगा वैसा नहीं कैसे तैयार है आप करें पूरे मदद करने से आपके साथ हमारे बीच में रतनाम से गुरुदेव साधन भाई बुला जैसे रतनाम के हमारे यहाँ चलो बुला बढ़ जाते हैं उनका और गुरुदेव साधन से